डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। हम लोगों ने इंजीनियरिंग में इसको पूरा एक सेमेस्टर पढ़ा था, लगभग 4 से 5 महीने, और आपकी क्लास में केवल एक चैप्टर के रूप में ये मौजूद है। लेकिन इसको कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, ये 7 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको जल्दी से कम्प्लीट करने का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की क्या होती हैं। तो जब भी कोई डिवाइस इस प्रिंसिपल पे काम करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रोल्ड फ्लो हो, ऐसी डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। वे दो टाइप के होते हैं, वैक्यूम ट्यूब और सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वैक्यूम ट्यूब वे होते हैं जहाँ पर आपको 2 डायोड सही होते हैं, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, उनके बीच में वैक्यूम रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं और करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी होती हैं जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है। अभी सेमीकंडक्टर्स क्यों यूज करते हैं हम लोग, तो इसके कई सारे वजह हैं। सेमीकंडक्टर हम लोगों को बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देता है, जैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना है, किस डायरेक्शन में फ़्लो कराना है, ये सारी पॉसिबिलिटीज हमको मिलती हैं सेमीकंडक्टर से, जो कि आमतौर पर कंडक्टर्स में नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट डिवाइसेस होते हैं जो यूज करते हैं सेमीकंडक्टर्स को, पावर भी कम कंज्यूम करते हैं वे, वहाँ कोई वैक्यूम ट्यूब नहीं होता जिसकी वजह से बहुत भारी नहीं होते हैं, उनमें हीटिंग ज़्यादा नहीं होता है और वे काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। बात करते हैं हम लोग कि कैसे क्लासीफाई किया जाए मटेरियल्स को। तो सॉलिड्स को उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम लोग 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, मेटल, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। आप लोगों ने जूनियर क्लास से ही पढ़ा होगा मेटल्स के बारे में, इंसुलेटर्स के बारे में। यहाँ पे हम एक और बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। मेटल्स वे होते हैं जिनकी रेसिस्टिविटी काफ़ी कम होती है, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप देखेंगे तो रेसिस्टिविटी 10^-2 से 10^-8 ओम मीटर है, जबकि कंडक्टिविटी 10^2 से 10^8 सीमन पर मीटर है। यह आपको पता होगा कि जो कंडक्टिविटी होती है वो रेसिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है एंड वाइस वर्सा। सेमीकंडक्टर्स, इनकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है मेटल्स के मुकाबले और कंडक्टिविटी मेटल्स के मुकाबले कम होती है। और इंसुलेटर्स तो बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं कर सकते, आपको पता है, क्योंकि उनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अभी सेमीकंडक्टर्स के फ़ायदे क्या हैं? एक तो उनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है मेटल्स की तुलना में, लेकिन फिर भी हम लोग उनसे कंडक्टिविटी भी पा सकते हैं, उनसे कंडक्शन करा सकते हैं। ये फ़ायदा है, जब हम चाहेंगे कंडक्शन कराएंगे, जब हम चाहेंगे कंडक्शन नहीं कराएंगे, ऐसा कंडक्टर्स में नहीं हो सकता है, ये हम आगे देखेंगे। उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है वो नेगेटिव होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उनकी रेसिस्टिविटी डिक्रीज करती है, जबकि ऐसा मेटल्स में नहीं होता है। मेटल्स में हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। आपको याद होगा सुपर कंडक्टर्स पढ़ा था हम लोगों ने, जहाँ पे कहा था कि 0 केल्विन पे रेसिस्टेंस गैप हो जाता है। दूसरी बात है लोअर नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। मेटल्स में चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, सेमीकंडक्टर्स में कम होती है, जिससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमें। कैसे पाया जाता है सेमीकंडक्टर? तो वह या तो एलिमेंटल स्टेट में पाया जा सकता है, जैसे कि सिलिकन, जर्मेनियम, और या फिर कंपाउंड स्टेट में, जैसे कैडमियम सल्फाइड और गैलियम आर्सेनिक। तो सेमीकंडक्टर्स को वे कहाँ से ड्राइव होते हैं और कैसा उनका चार्ज करियर है, इस पर डिपेंड करते हुए उनको लोग 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वे होते हैं जो कि प्योर होते हैं, इनमें इम्प्योरिटी कम से कम होती है, जैसे 10^10 पार्ट्स में केवल एक रहेगा, जो ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लिजिबल है। 0 केल्विन पे वे लोग प्योरली इंसुलेटर्स होते हैं, वे कंडक्शन नहीं कर सकते हैं 0 केल्विन पे, लेकिन जब रूम टेम्परेचर हो जाएगा या टेम्परेचर को बढ़ा देंगे हम लोग, तो उस समय जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे वैलेंस बॉन्ड से टूट जाते हैं और चार्ज कैरियर्स बनाते हैं, जिनकी वजह से कंडक्शन होता है सेमीकंडक्टर्स में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वे होते हैं जहाँ पर डोपिंग होती है, जहाँ पर कुछ इम्प्योरिटीज़ को हम लोग जानबूझ के मिक्स करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स में, तो
तो जो कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ऐसा करने से हमें दो टाइप के सेमीकंडक्टर मिल सकते हैं, एक होता है एन टाइप का, एक होता है पी टाइप का। एन टाइप का सेमीकंडक्टर वह होता है जब हम लोग किसी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को, जिसके जिसमें पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों, ऐसे एटम्स की इम्प्योरिटी को हम लोग मिलाते हैं टेट्रावेलेंट एटम में। जैसे सिलिकन और जर्मेनियम में हमने पेंटावेलेंट एटम मिला दिया तो एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल गया हमें। और पी टाइप तब मिलता है जब हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं टेट्रावेलेंट एटम में। अभी हम लोग बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड मॉडल की। पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बात करेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग सिलिकॉन की बात करते हैं। सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चार होते हैं, आपको पता है। जैसे ये हम बीच वाला सिलिकॉन एटम ले लें तो इसके चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम से चार इलेक्ट्रॉन्स को, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनके चार इलेक्ट्रॉन्स को एक एक पकड़ेगा और कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रली बन के आता है बाद में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक सिलिकॉन एटम अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम से टेट्राहेड्रली बॉन्डेड है और ये जो शेप बन के आता है इट लुक्स लाइक अ डायमंड, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कि दिस इज अ डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। एट लो टेम्परेचर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वे इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पे जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो टूटना चालू कर देगा। ऐसा रूम टेम्परेचर पे भी होता है। जब एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएगा और वहाँ पे एक होल बन जाएगा। ये होल जो है ये कोई पार्टिकल नहीं होता है, ये बिहेव करता है एज अ फ्री पार्टिकल बट इट्स नॉट एक्चुअली अ पार्टिकल। फिर क्या होगा, जो किसी बगल के बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आसानी से इस होल को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, सो दैट इस सिलिकॉन एटम की जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाए और फिर यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही इसके नेबरिंग का इलेक्ट्रॉन इसके पास जा सकता है, होल यहाँ क्रिएट हो सकता है, तो होल मूव करना चालू कर देगा और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दो टाइप के करंट आते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन करंट, दैट इज बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक होता है होल करंट। वो क्यों होता है? क्योंकि होल्स भी अपरेंटली मूव कर रहे हैं। अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो डिपेंड करता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं। इसके लिए एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है एन इज इक्वल टू सी इन टू ई का पावर माइनस ई जी अपॉन टू के टी। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ई जी एनर्जी गैप है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स जो रिलीज हुए हैं दे आर कॉल्ड एन आई, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, और नंबर डेंसिटी भी कह सकते हैं इसको। ये किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे फ्री हुए हैं, एंड दैट इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। ऐसा देखा जाता है कि जो दो टाइप के करंट हमें मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स सेपरेटली, तो जो टोटल करंट होगा वो सम होगा किसका, इलेक्ट्रॉनिक करंट का एज वेल एज होल करंट का। तो टोटल करंट आई के लिए एक्सप्रेशन है आई ई प्लस आई एच। अभी बात करते हैं हम लोग डोपिंग की। डोपिंग क्या होती है? देखिए डोपिंग, अभी हमने बात किया था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, वो क्या था, डेलिबरेट एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी। तो जब भी हम कोई पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट एटम को जब हम ऐड करते हैं आपके टेट्रावेलेंट एटम में, सेमीकंडक्टर एटम जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम में, तो हमें जो मिलता है वो होता है एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जो प्रोसेस ऑफ एडिशन है डिलीवरेट एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी दैट इज कॉल्ड डोपिंग। डोपेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक पेंटावेलेंट डोपेंट्स और दूसरे ट्राईवेलेंट एटम्स डोपेंट्स। पेंटावेलेंट डोपेंट्स क्या होते हैं, जिनके जो आउटर मोस्ट सेल है वहाँ पे पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एग्जांपल, कहाँ से आएंगे ये एटम्स? ये आते हैं आपके 15th ग्रुप से, जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है। और ट्राईवेलेंट कब मिलता है आपको? जब आप टेट्रावेलेंट एटम सेमीकंडक्टर्स के उसमें ऐड करते हैं ट्राईवेलेंट एटम्स जो कि आपके 13th ग्रुप से आते हैं, जैसे
बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, इंडियम है। अभी डोपिंग करते कैसे हैं? डोपिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। जब हम बॉम्बार्ड करते हैं डोपेंट आयंस को, टेट्रावेलेंट या पेंटावेलेंट आयन को जब हम बॉम्बार्ड करेंगे किसके ऊपर? प्योर सेमीकंडक्टर के ऊपर। उस प्रोसेस में हमें एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल सकता है, ये डोपिंग का एक प्रोसेस है। दूसरा ये है कि प्योर सेमीकंडक्टर को आप मोल्टन कर लीजिए, पिघला लीजिए और उसमें डोपेंट्स को ऐड कर दीजिए। या एक और तरीका है कि आप प्योर सेमीकंडक्टर को हीट कीजिए एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे डोपेंट्स बहुत सारे हैं, डोपेंट रिच एनवायरनमेंट है, ऐसे में आप सेमीकंडक्टर को हीट कीजिए तो भी डोपिंग का प्रोसेस होगा। अभी हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड मॉडल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। एक्सट्रिंसिक से हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का देख लिया अभी, लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे। अभी बात करें हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, तो आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। पहले हम बात करते हैं एन टाइप के। तो एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप में आप सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं पेंटावेलेंट एटम, जैसे कि मान लीजिए फॉस्फोर को हमने ऐड कर दिया, ये नेबरिंग में सिलिकॉन एटम्स हैं, तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया आपका, इसको बहुत कम एनर्जी चाहिए सेट फ्री होने में, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, मूव करने के लिए, करंट फ्लो कराने के लिए। अभी ये जो फॉस्फोरस एटम है वो बहुत आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग, चूँकि ये डोनेट कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डोनर डोपेंट और डोनर एटम। तो ऐसा हम देखते हैं कि आमतौर पे चूँकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ये फॉस्फोरस एक ही एटम तो है नहीं, एक लैटिस लेंगे उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉस्फोरस एटम्स हो जाएंगे, तो वहाँ पे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर डेंसिटी होता है वो होल्स की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस केस में यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज भी करेंगे तब तो क्या होगा, सिलिकॉन के जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वे टूटेंगे और वहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स पैदा होंगे। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स पहले से ज़्यादा मौजूद हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और आए तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ टोटल होल्स। सो व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर कम्पेयर टू नंबर ऑफ होल डेंसिटी इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, ये देखिए ये जो प्लस दिखाया जा रहा है ये उस फॉस्फोरस एटम के लिए है जिसका एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुका है, तो ये आपका डोपेंट है जो डोनर एटम है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है जो फ्री हुआ है, तो इन दोनों को एक साथ मिला के हम लोग इस तरीके से भी एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर की। यहाँ पे जो हमारा डोपेंट है वो ट्राइवेलेंट है, जैसे एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम हमने ऐड कर दिया, इस केस में क्या होगा, एल्यूमिनियम के जो बाहरी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें केवल 3 कोवेलेंट, उसमें केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो सिलिकॉन नेबरिंग सिलिकॉन एटम है उनके आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे कंबाइन करके कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, लेकिन एक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम के पास तो केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो वहाँ पर एक होल बनेगा। ये होल कैसे ऑक्यूपाई होता है, जो नेबरिंग सिलिकॉन सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ का इलेक्ट्रॉन वो आसानी से जंप कर सकता है इस होल में ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए और ये होल यहाँ मूव कर जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे एल्यूमिनियम के एटम्स हैं और बहुत सारे होल्स में मिल जाएंगे। टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा दें तब क्या होगा, तो सिलिकॉन सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स भी टूटेंगे, यहाँ से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होंगे। ओवरऑल देखा जाएगा तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है कम्पेयर टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और चूंकि एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है अपने नेबरहुड का जो सिलिकॉन सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड है उसके ब्रेक करने से, इसलिए इसको कहा जाता है एक्सेप्टर डोपेंट या एक्सेप्टर एटम। इसको भी दिखाने का ये एक और तरीका है, सपोज एल्यूमिनियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो जो कोर होगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, और ये उसके करेस्पॉन्डिंग जो होल क्रिएट हुआ है
ये उसको दर्शाया गया है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो पी टाइप का है उसको दिखाने का ये भी एक तरीका है। तो अभी तक हमने देखा कि जब भी सेमीकंडक्टर को हम रूम टेम्परेचर पर लाते हैं या टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो बराबर नंबर के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर्स जो होते हैं वे क्रिएट होते हैं। कई बार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं जो पेयर है ये कोलाइड करता है और रिकम्बाइन कर जाता है, जिसकी वजह से जो चार्ज होता है वो डिस्ट्रॉय होता है। इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब थर्मल इक्विलिब्रियम होता है उस टाइम क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो रहा होगा और साथ साथ में रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा होगा। तो ये जो दोनों हैं, जो दोनों हैं रेट ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज और रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये दोनों बराबर हो जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम में। उस टाइम क्या होता है कि जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर डेंसिटी ऑफ होल है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ जो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर है Ni, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH। इस ये एक लॉ है, इसको बोलते हैं मास एक्शन लॉ। अभी बात करते हैं हम लोग एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं? देखिए, जब एक अकेला एटम होगा, इकलौता एटम होगा कहीं पे, तो उसके आपको पता है बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो जब अपने एनर्जी लेवल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा एक आइसोलेटेड एटम में तो उसका एनर्जी फिक्स रहेगा। लेकिन जब आप एक लैटिस की बात करते हैं, जब आप एक क्रिस्टल लेते हैं तो वहाँ पे एक इकलौता एटम नहीं होता है, बहुत सारे एटम्स होते हैं एक साथ, और वे एटम क्या करते हैं दूसरे एटम्स का जो एनर्जी लेवल है उसको इंटरफेयर करते हैं क्योंकि वे बहुत पास होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं। तो एक एटम का, जैसे कोई एक एटम है उसका आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा एटम है उसका आउटरमोस्ट सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक तीसरा एटम है उसका आउटरमोस्ट सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करेंगे तो कई बार जो उनका एनर्जी है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो एनर्जी उनका कम भी होता है, ज़्यादा भी हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो एनर्जी लेवल्स अलग अलग बनेंगे उनमें जो क्लोजली मैच्ड हैं और क्लोजली स्पेस्ड है एनर्जी लेवल, उनको एक साथ लेंगे तो उनको एनर्जी बैंड कहा जाएगा। तो जब हम बात करते हैं क्रिस्टल की तो वहाँ पे एनर्जी लेवल की बात नहीं करेंगे, वहाँ पे एनर्जी बैंड्स की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एटम्स हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं जिनकी वजह से जो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें कुछ चेंजेस आ गए हैं और जो क्लोजली मैच्ड एनर्जी लेवल्स हैं उनको मिला के हम लोग एनर्जी बैंड कहेंगे। तो एनर्जी बैंड्स सीधे हम बात करते हैं तो तीन टाइप की बात करेंगे, दो टाइप की बात करेंगे, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और उनके बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। वैलेंस बैंड, ये नीचे आपका वैलेंस बैंड है, ऊपर आपका कंडक्शन बैंड है, और बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एनर्जी गैप। तो वैलेंस बैंड क्या है? ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल है जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं, और कंडक्शन बैंड क्या है? ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल है जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स फील्ड नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जम करके आ सकते हैं। यदि आप उनको थर्मल एक्साइट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जम करेंगे, कंडक्शन बैंड में आएंगे, और बीच में जो गैप है दिस इज कॉल्ड ई जी एनर्जी गैप, दिस इज डिफरेंस ऑफ ई सी एंड ई वी। ई सी क्या है? देखिए, ई सी ये है जो कंडक्शन बैंड है इसका जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है उसको ई सी कहा जाएगा, और जो वैलेंस बैंड है इसका जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है इसको ई वी कहा जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एनर्जी गैप और फॉरबिडन गैप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स स्टे नहीं कर सकते हैं, या तो वे यहाँ पे रहेंगे या तो यहाँ पे रहेंगे। अच्छा, इन बैंड्स के आधार पे हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं सॉलिड्स को, मेटल्स में, इंसुलेटर्स में और सेमीकंडक्टर्स में? पहले बात करते हैं मेटल्स की। तो यहाँ जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है ये आपस में ओवरलैप कर जाता है। आमतौर पे जो वैलेंस बैंड रहता है वो पूरी की पूरा का पूरा फिल रहता है, और कंडक्शन बैंड जो है वो पार्शियली फिल रहता है। जब ये दोनों ओवरलैप कर जाते हैं मेटल्स में तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वे कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मिल जाते हैं जो कि फ्री होते हैं मूव करने के लिए, इसीलिए मेटल्स जो हैं आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। यहाँ पे हम बात एक कॉन्सेप्ट करेंगे जिसको बोलेंगे फर्मी लेवल। फर्मी लेवल क्या है? देखिए, फर्मी लेवल वैलेंस बैंड में वह हाईएस्ट एनर्जी लेवल है जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और वो भी किस टेम्परेचर पे? जीरो केल्विन पे। तो फर्मी लेवल इज हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन वैलेंस बैंड एट जीरो केल्विन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। तो मेटल्स के केस में क्या होता है, जो फर्मी लेवल है ये आपका कंडक्शन बैंड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पार्शियल ओवरलैपिंग हो रही है, और यहाँ पे क्या है वैलेंस जो आपका फर्मी लेवल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो ये फटाफट कंडक्शन करा देंगे।
अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वैलेंस बैंड का जो टॉप मोस्ट लेवल है उसी को फर्म एनर्जी लेवल कहा जाएगा। वैलेंस बैंड में मान लीजिए पूरा वैलेंस बैंड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स केवल यहाँ से यहाँ तक भरे हुए हैं, तो जो टॉप मोस्ट लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि बाकी इस इन एनर्जी लेवल्स में इधर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जो टॉप मोस्ट लेवल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस एनर्जी लेवल को जीरो केल्विन पे कहा जाएगा फर्म एनर्जी लेवल। फिर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स वे होते हैं जहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो एनर्जी गैप होता है उसका डिफरेंस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत मुश्किल से यहाँ से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, इनफैक्ट जा ही नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इंसुलेटर्स होते हैं वे बहुत ही बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वे कंडक्शन नहीं कर सकते हैं। जब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की, तो यहाँ एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें सिलिकॉन की, तो ये जो गैप है वो केवल 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और जर्मेनियम में ये केवल 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अभी यदि आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेंगे थर्मली, तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। उससे होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, यहाँ पे होल्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहेंगे कंडक्ट करने के लिए, होल्स भी फ्री रहेंगे कंडक्ट करने के लिए, तो आपको सेमीकंडक्टर में टोटल करंट मिलेगा, दैट इज सम ऑफ IE प्लस IH, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट दोनों मिलेगा आपको। कितने इलेक्ट्रॉन्स सेट फ्री होंगे वो फॉर्मूला हमने डिस्कस कर रखा है, n इज इक्वल टू CE का पावर माइनस AG अपॉन 2KBT। T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो जब जीरो केल्विन रहेगा तो सीधी सी बात है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं बन रहा होगा, और जो सेमीकंडक्टर आपका होगा वो असेंशियली इंसुलेटर होगा, वो पक्की बात है इंसुलेटर रहेगा, कोई भी कंडक्शन सेमीकंडक्टर नहीं कर सकता है जीरो केल्विन पे। अभी हम बात करते हैं एनर्जी बैंड इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। जीरो केल्विन पे हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे वैलेंस बैंड में रहेंगे, कंडक्शन बैंड ऊपर है, एनर्जी गैप भले ही कम है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर सकते हैं, देयर इज नो थर्मल एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन्स जंप कर ही नहीं सकते, इसलिए कोई भी कंडक्शन नहीं होगा। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से आसानी से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे, क्योंकि EG कम है आपका, एनर्जी गैप बहुत कम है। इससे होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं एंड दे आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, और यहाँ पे होल्स भी अवेलेबल हैं, ये भी कंडक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी मिल जाती है आपको, और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी इजीली कंडक्टेड इन केस ऑफ व्हाट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप के। सबसे पहले हम बात करते हैं एन टाइप की। एन टाइप में जैसा मैंने कहा, एन टाइप तभी मिलता है जब आप पेंटावेलेंट एटम को ऐड करते हैं टेट्रावेलेंट में। तो यहाँ पे क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बाहर रहेंगे, वे कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहे होंगे, तो वे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, एक एनर्जी लेवल होता है ED, एनर्जी ऑफ डोनर डोपेंट, तो इस पे वे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी लेवल है और जो डोपेंट का एनर्जी लेवल है डोनर डोपेंट का, इसमें डिफरेंस बहुत कम होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस ऑर्डर का होता है। आसानी से थोड़ा भी टेम्परेचर मिल जाए, इवन एट रूम टेम्परेचर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं एन टाइप जो डोनर एटम के हैं, ये यहाँ से जंप करके आसानी से कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे। उसके बाद टेम्परेचर को आप बढ़ा दीजिए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर और बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे आएंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा कंडक्शन बैंड में वो बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन तो होगा, और वो क्यों होगा, ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर इन मेजोरिटी नंबर। तो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन होता है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स विच आर देयर एज मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। अभी यदि हम पी टाइप की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए पी टाइप कैसे मिलता है हम लोगों को, जब हम लोग ट्राइवेलेंट एटम को ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, या टेट्रावेलेंट सिलिकॉन या जर्मेनियम में, उस टाइम पे क्या होता है कि ऑलरेडी वैलेंस बैंड में होल्स रहेंगे। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम है उधर, एल्यूमिनियम के पास या ऐसा ही कोई ट्राइवेलेंट एटम होगा, उसके आउटर मोस्ट सेल में केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन एक सिलिकॉन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा होगा, वहाँ पे एक होल क्रिएट रहेगा, तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे होल्स क्रिएटेड हैं, और टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिए तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जंप करके जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और यहाँ पे कुछ होल्स और हो जाएंगे। अच्छा, ये जो
ई ए है, ये एनर्जी है एक्सेप्टर लेवल का, यहाँ पे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे आसानी से जम कर सकते हैं और होल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आसानी से जम कर जाएंगे और क्या करेंगे, होल क्रिएट करेंगे। हमने देख रखा है सिलिकन सिलिकन जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है ताकि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके, तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन जम करके एल्यूमिनियम के नेबरहुड में जो होल है वहाँ पे आता है। तो ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत कम होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आसानी से जम करते हैं, सिलिकन सिलिकन नेबरिंग जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूटता है और होल को फुलफिल करता है और इस तरीके से होल्स मूव करना चालू कर देते हैं। और ऑलरेडी एल्यूमिनियम के पास बहुत सारे होल्स हैं, तो यहाँ पे जो कंडक्शन होगा दैट इज़ ड्यू टू होल्स जो कि मैक्सिमम नंबर में अवेलेबल है। कहाँ पे, वैलेंस बैंड में। तो जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दे आर होल एंड कंडक्शन इज देयर इन वैलेंस बैंड एंड दैट इज ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स विच आर होल्स। और इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इनकी वजह से कंडक्शन कम होगा। अभी बात करते हैं हम लोग मोबिलिटी की, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होता है। मोबिलिटी आप लोगों को पता है, ये हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ रखा है। तो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी जो होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इट कुड ऑल्सो बी ड्यू टू होल्स। सो सी दिस म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, वी डी इज इक्वल टू म्यू इन टू ई इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है हमेशा कंडक्शन बैंड में एज कम्पेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। ये क्वेश्चन आता है कैसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंडक्शन बैंड में रिलेटिवली काफ़ी फ्री स्पेस होता है, जबकि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, वहाँ पे मोबिलिटी उतनी आसानी से नहीं मिल पाती है होल्स की जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है कंडक्शन बैंड में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा फ्री स्पेस है, आसानी से मूव कर सकते हैं। अभी एक एक्सप्रेशन की बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। ये मान लीजिए आपका एक सेमीकंडक्टर है, आपने इसको बाहर से एक सोर्स वोल्टेज सोर्स आपने अप्लाई करा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे और जो होल्स होंगे वे इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे। जो नेट करंट होता है वो हमने पहले डिस्कस कर रखा है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट, आपको पता है ये डेरिवेशन पहले भी किया जा चुका है, आई इज इक्वल टू ए इंटू एन इंटू ई इंटू वी डी होता है। इस केस में हम लोग आई इज इक्वल टू लिखेंगे ए इंटू एन ई, दिस इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और उसी प्रकार से आई एच लिखा जाएगा ए इंटू एन एच, ये नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स है, और वी एच ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स है, और ई क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है विच इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि होल्स पे होता है। तो यहाँ से ए ई कॉमन ले लेंगे हम लोग, एन ई वी इंटू एन एच वी एच होगा, और वी को यहाँ से वी क्या है देखिए म्यू इंटू ई है, तो हम लोग इसमें आसानी से पुट कर लेंगे। अच्छा, आई को ओम्स लॉ से वी अपॉन आर लिख सकते हैं, और आर आपको पता है रो इंटू एल बाई ए होता है, तो ए ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, और ये वी अपॉन एल इज इक्वल टू ई होता है। यहाँ पे हम लोग इसको ई लिख के इस ई से भी कैंसिल कर सकते हैं, दोनों ई कैंसिल हो जाएंगे, एंड वन अपॉन रो आपको पता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी होती है, तो कंडक्टिविटी के लिए आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा ई इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, आईआईटी जेई मेंस में भी आए हैं, बोर्ड में तो आते ही हैं। फिर हम बात करते हैं फोटो कंडक्टिविटी की। फोटो कंडक्टिविटी क्या होती है, देखिए फोटो कंडक्टिविटी तब मिलती है हमें जब ऐसे फोटॉन्स सेमीकंडक्टर के ऊपर गिरे जिनकी एनर्जी उसकी एनर्जी गैप से ज़्यादा है। जब ऐसे फोटॉन्स गिरेंगे किसी सेमीकंडक्टर के ऊपर तो वे वहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देंगे, और जिससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएगा और कंडक्शन मिल जाएगा आसानी से सेमीकंडक्टर में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो कंडक्टिविटी। तो जब भी लाइट रेडिएशन ऑफ एनर्जी एच न्यू ग्रेटर देन एनर्जी गैप फॉल्स ऑन सम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड एंड दे कैन इजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो कंडक्टिविटी।